शुभ प्रभात सारे बच्चों। कक्षा सेवन को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप जितनी कॉपियां लिख लिए होंगे सभी विषय का, तो सभी विषय की कॉपी आप धीरे धीरे करके, खास करके मेरा विषय है तो इसलिए मैं अपना विषय जरूर कहूँगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का भी विषय जो है आप वो भी ऑफिस में जमा करें ताकि चेक हो सके। और जो विशेष संदेश मैं आज कहना चाह रहा हूँ आपसे कि सभी शिक्षक बिना गर्मी छुट्टी का लिए आपके लिए श्रम करते रहे, लेकिन आपके अभिभावक या आप इस श्रम का कोई महत्ता नहीं समझ पा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए जो शिक्षक 3 महीने 4 महीने लगातार काम कर रहा है और बिना पैसे का, बिना अर्थ प्राप्त किए वह काम कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं उसके परिवार का खर्च कैसे चल रहा होगा, क्योंकि लोगों का कोचिंग बंद है, स्कूल बंद है, तो जो इस पर पूरी तरह से निर्भर कर रहा है गार्जियन शिक्षक, तो उस स्थिति में उसके परिवार के बच्चे क्या खाते होंगे, कैसे जीते होंगे। यदि किसी प्रकार से मानसिक तनाव उसके अंदर आ जाती है तो वो क्या कैसे बनाएगा, कैसे पढ़ाएगा आपको, कैसे समझा पाएगा। इसलिए आप अपने अभिभावकों से भी या अभिभावक भी अगर वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी एक रिक्वेस्ट है उनसे कि आप विद्यालय में आए और ऑफिस में संपर्क करके यदि पूरे पैसे ना दे सके थोड़ा ही पैसा हो, जैसे जैसे हो थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को रजिस्ट्रेशन कराएं और बच्चों की पढ़ाई जैसे आप समझते हैं उसका महत्ता समझते हैं उस पर मैं भी उसकी महत्ता समझता हूँ, लेकिन साथ साथ ये भी मैं समझता हूँ कि हमारी जो आवश्यकता है, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें एनर्जी लगती है और एनर्जी भोजन से आती है और भोजन का आधार है अर्थ धन, और धन नहीं होगा तो भोजन नहीं होगा, और भोजन नहीं होगा तो आवाज़ नहीं निकलेगी, और आवाज़ नहीं होगा तो फिर बच्चों को पढ़ाना चाहे ऑनलाइन हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो बच्चे मेरे संदेश को सुन रहे हैं या जो बच्चे नहीं सुन पा रहे उसको भी समाचार दे दें, संदेश दे दें, ताकि ये संदेश सभी बच्चों तक, सभी अभिभावकों तक पहुँचे, ताकि विद्यालय का भी काम ना रुके और शिक्षकों का भी काम ना रुके। मैं ज़्यादा ना कहूँगा, थोड़ा ही कहा रहा हूँ, थोड़ा से या बहुत समझने का प्रयास करें मैं क्या कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।